Hello students, I am Dr. Sharma. Today's lecture we discuss about the remaining portion of the chordates. इस लेक्चर में हम chordates का remaining portion है उसे हम discuss करेंगे. तो last lecture में हमने discuss किया था agnathas. इस लेक्चर में हम discuss करेंगे next division of vertebrata. अब ग्रेथोस्टोमेटा में किस तरह के एनिमल्स को काउंट किया जाता है? ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो प्रेजेंट होता है तो उन एनिमल को ग्रेथोस्टोमेटा में रखा जाता है. इनका जो फंडामेंटल कैरेक्टर है इस फाइलम के एनिमल्स का, इस ग्रुप के एनिमल का, डिविजन के एनिमल का, वो कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ ट्रू जॉ. यदि ये ट्रू जॉ प्रेजेंट है तो वो ग्रेथोस्टोमेटा में आएंगे. जिन एनिमल में टू जो ऑब्सेंट है वो एग्नाथस है. तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहां पर यही है कि जो का प्रेजेंट होना. दूसरे एडिशनल कैरेक्टर है गिनेथोस्टोमेटा के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप होता है. देखिए स्टूडेंट, सही सेंस में वर्टिब्रल कॉलम कब कहा जाएगा? यदि वर्टिब्रल कॉलम मेड बाय द बोन्स. यदि वर्टिब्रल कॉलम कॉर्डिलेट्स का बना हुआ है तो उसे वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं. मोर करेक्टली उसे हम नॉट कॉर्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? तो यहां पर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो वेल डेवलप होता है. इनमें जो मूवमेंट होता है, जो मोशन होता है, वो फिन से होता है जैसे कि फिश के अंदर, लिम्ब से होता है जैसे कि टेटरापोडा. ये देखने को मिलता है. उसके बाद देखिए साइक्लोस्टोमेटा में जो गोनेट्स है वो सिंगल थे. केवल एक टेस्टिस मेल के अंदर या फीमेल की तो उसमें केवल एक ओवरी देखने को मिलेगी. यहां पर पेयर्ड गोनेट देखने को मिलेंगे, पेयर्ड जेनिटल डक्ट देखने को मिलेंगे. तो ये फाइलम का कैरेक्टर है. साइक्लोस्टोमेटा में सिंगल गोनेट सिंगल जेनिटल डक्ट प्रेजेंट थी और यहां पर आप क्या देख रहे हो? गोनेट्स पेयर्ड में है, जेनिटल डक्ट भी पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं. सेमी सर्क्यूलर कैनाल के बारे में बात करें जो कि इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होती है तो ग्रेथोस्टोमेटा के अंदर थ्री सेमी सर्क्यूलर कैनाल इंटरनल ईयर में देखने को मिलेंगे. ठीक है? उसके बाद इनमें जो है पीनियल आई अब्सेंट होती है. ईयर कैरेक्टर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है. तो मैं बता देता हूं पीनियल आय जिसे कि थर्ड आय की मानी जाती है ये साइक्लोस्टोमेटा में देखने को मिलती है. बट ग्रेथोस्टोमेटा में यह कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता. यहां पर एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं. रेस्पिरेशन गिल से होता है या लंग से होता है? गिल से वाटर में रेस्पिरेशन होता है. इस तरह के रेस्पिरेशन को हम ब्रिंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं. लंग से रेस्पिरेशन लैंग पे होता है. इस तरह से जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं. अब बेसिकली जो ग्रेथोस्टोमेटा होते हैं इन्हें दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है. पहला सुपर क्लास पाइसेस है और दूसरा सुपर क्लास ग्रेथोस्टोमेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ पाइसेस. तो सुपर क्लास पाइसेस को लेकर डिस्कस करेंगे. देखिए सुपर क्लास पाइसेस, पाइसेस हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलते थे वो देखने को मिलते थे डिवोनियन पीरियड और इसीलिए डिवोनियन पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ पाइसेस के नाम से जानते हैं, फिश के नाम से जानते हैं. इस पर कई ढेर सारी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द स्टडी ऑफ फिश इज नोन एज इक्टियोलॉजी. देखिए कल्टीवेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज नोन एज एक्वाकल्चर. कल्टीवेशन ऑफ एनिमल एक्वाटिक एनिमल खाने वाले जो एनिमल्स हैं जिन्हें हम खाते हैं ऐसे एक्वाटिक एनिमल का कल्चर करना उसे हम बोलेंगे पिसी कल्चर. और स्टडी ऑफ फिश इसे हम बोलेंगे इक्टियोलॉजी. The study of fish is known as ichthyology. अब इस सुपर क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं ऑल मेंबर इज नोन एज ट्रू फिशेस.
कोई भी मेंबर हो केवल इस तो मतलब का होना चाहिए, तो उसे हम ट्रू फिश के नाम से जानेंगे। इस फाइलम के मेंबर फ्रेश वाटर हो सकते हैं, बड़ी हो सकते हैं। अब उसके बाद इनकी बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है फिश की बॉडी तो आप सभी लोगों ने देखी है, फिश की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ताकि वाटर का जो फ्रिक्शन है वो उसके ऊपर मिनिमाइज हो सके। उसके बाद फिश की जो बॉडी होती है बेसिकली डिवाइडेड इंटू द थ्री पार्ट, हेड ट्रंक एंड टेल, ये तीन पार्ट में फिश की बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट फिश में ऑब्सेंट होता है, इवन एंटीनस में ऑब्सेंट होता है एंटीनस। उसके बाद यहां पर स्लिंग ग्लैंड्स जो होती हैं, ट्राई ग्लैंड्स जो होती हैं, वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट भी हो सकती हैं, और इनमें फिश के जितने मेंबर्स होते हैं सुपर क्लास फाइटेस हैं, इनमें डर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे स्केल प्रेजेंट होते हैं जो कि डर्मिस का मॉडिफिकेशन होते हैं। देखिए स्किन के दो पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट डर्म एपिडर्मिस, उसके नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है डर्मिस। तो फिश में जो स्केल होंगे वो डर्मिस का मॉडिफिकेशन होगा, मतलब डर्मल स्केल होंगे। यू मस्ट रिमेंबर एम्फीबियंस में तो स्केल होते नहीं है, रेप्टाइल्स में जो स्केल होते हैं वो एपिडर्मल स्केल होते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स, कुछ कुछ फिश में स्केल अब्सेंट हो सकते हैं, जैसे कि कैटफिश। और उसके बाद एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि फिश में जो कलर, कई बार आपने देखा होगा कोई फिश रेड कलर की दिखती है, कोई फिश ग्रीन कलर की दिखती है, कोई फिश ब्लू कलर की होती है, कुछ कलरफुल फिशेज होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो फिश के जो कलर होते हैं हम लोगों की बॉडी में जो कलर किसकी वजह से होता है, मेलानिन की वजह से। फिश की बॉडी में जो कलर होता है वो इरिडोसाइट्स करके एक पिगमेंट होता है जो डर्मिस में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से कलर फिश की बॉडी में देखने को मिलता है। फिश में स्विमिंग किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से देखती है फिश, तो फिश में क्या होता है कि पेयर्ड फिन्स होते हैं, ये जो पेक्टोरल, ये रीजन पेक्टोरल, तो यहाँ पे आपको पेक्टोरल फिन देखने को मिले, ये रीजन पेल्विक है, तो यहाँ पर जो फिश देखें जो फिन देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, पेल्विक फिन होते हैं, जो पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। फिश में जो ये फिन होंगे ये पेयर्ड फिन होंगे, बाकी के जो फिन होते हैं फिश में वो अनपेयर्ड फिन होते हैं। तो पाइसेस में पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, यू मस्ट रिमेंबर साइक्लोस्टोमेटा में ये अब्सेंट है। उसके बाद इसमें जो नेयर्स होते हैं वो वन पेयर होते हैं, यू मस्ट रिमेंबर साइक्लोस्टोमेटा में सिंगल नेयर्स प्रेजेंट था और यहां पर पेयर होते हैं। ईयर्स होने के बात करें तो यहां पर इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर अब्सेंट होता है। गिल्स को लेकर बात करें तो गिल्स जो होते हैं फोर टू सेवन पेयर हो सकते हैं, गिल्स नेकेड हो सकते हैं जैसे कि मरीन फिश में, गिल्स के ऊपर कवरिंग हो सकता है ऊपर क्रम का जैसा कि फ्रेश वाटर फिश में आपने देखा हो। उसके बाद इनमें जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर हार्ट होता है, और फिश का जो हार्ट होता है जिसे हम वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। वीनस हार्ट क्यों होते हैं इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फिश में हार्ट किस तरह का, फिश में हार्ट कुछ इस तरह का है, जैसे फिश का ये हार्ट इस तरह का है। फिश के हार्ट में आप देखेंगे कि दो चैम्बर हैं, दो एसेसरी चैम्बर भी होते हैं फिश के हार्ट में, जैसे कि हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो फिश के हार्ट का हम जरा देखिए, दो चैम्बर हैं, एक तो ऑरिकल है या आर्ट्रियम है, दूसरा क्या है वेंट्रिकल, दो चैम्बर हो गए। दूसरा यहां से हार्ट से जो ब्लड जाता है वो ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स, गिल्स में क्या होगा ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा बॉडी में, बॉडी से फिर ब्लड कहाँ आएगा वापस हार्ट में आएगा, ये क्या है फिश का हार्ट। फिश का हार्ट जो क्या है टू चैम्बर हार्ट है, एंड फिश हार्ट ऑलवेज रिसीव द इम्प्योर ब्लड, फिश का जो हार्ट है वो इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है, इसलिए इस तरह के हार्ट को हम बोलते हैं वेनस हार्ट। तो फिश में जो हार्ट होता है वो वेनस हार्ट होता है, एंड दिस हार्ट ऑलवेज रिसीव द इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब उसके बाद फिश की बॉडी में लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम रिएक्ट करता है और रीनल पोर्टल सिस्टम में रिएक्ट करता है। पोर्टल सिस्टम किसको बोलते हैं? इफ द टू ऑर्गन कनेक्टेड बाय द वेंस, दिस टाइप ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द पोर्टल सिस्टम। तो फिश की बॉडी में दो तरह के पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम में प्रेजेंट होता है और लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। स्केलेटल प्लेट की बात करें तो फिश में स्केलेटन कार्टिलेज का भी बना हो सकता है, बोन का भी बना हो सकता है। उसके बाद फिश में हम देखेंगे कि फिश में जो क्रेनियल लॉबस्टर नंबर होता है वो टैंकफेयर होता है। फिश में जो किडनी होती है वो मीसोनेफ्रिक टाइप की होती है, मतलब कि एम्ब्रियोनिक मीडियल जो किडनी है यू मस्ट रिमेंबर। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये एम्ब्रियोनिक किडनी, ये क्या है? सपोर्ट है, दिस इज एम्ब्रियोनिक किडनी। यदि एम्ब्रियोनिक किडनी का अपर पार्ट किडनी बनाता है एडल्ट, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोनेफस किडनी। यदि एम्ब्रियोनिक किडनी का मिडिल पार्ट किडनी बनाता है तो उसे हम बोलते हैं मीसोनेफ्रस। और यदि एम्ब्रियोनिक किडनी का लोअर रीजन एडल्ट में किडनी तैयार करता है तो उसे हम बोलते हैं मेटानेफ्रस किडनी। तो फिश में जो किडनी होती है वो मीसोनेफ्रस किडनी होती है, एंटीजन से मीसोनेफ्रस किडनी देखने को मिलती है। तो इस तरह की किडनी यहां देखने को मिलेगी। फिश में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो फ्रेश वाटर फिश में अमोनिया और सी फिश में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है मोस्टली वो यूरिया होगा। फिश यूनिसेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या फिर इंटरनल हो सकता है। इनमें यदि फिश अंडे देती है फिश ओविपेरस भी हो सकती है, फिश विविपेरस भी हो सकती है। सपोर्टेड यदि फिश हमारी ओविपेरस है तो उसके जो अंडे होंगे वो मीसोलिसिथा टाइप के होंगे। मीसोलिसिथा टाइप मीन ऐसे है जिसमें कि मॉडरेट अमाउंट में यॉर्क प्रेजेंट होता है, इस तरह के एग को हम बोलते हैं मीसोलिसिथल एग। तो इस तरह के एग देखने मिलेंगे। यहां पर एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में नहीं दिखाई देती। इसलिए जो फिश का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोटा टाइप का होता है, अनएम्ब्रियोनिक टाइप का होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, इनमें ब्लड ठंडा होता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए ये किस तरह के एनिमल होंगे? पॉइज़नोथर्मल एनिमल होंगे। अब इसके बाद हम कुछ सीजनल माइग्रेशन के बारे में डिस्कस कर लें। दो बड़े महत्वपूर्ण टाइप के माइग्रेशन है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो माइग्रेशन है वो कौन सा है? एनाड्रोमस माइग्रेशन। यदि कोई फिश सी टू फ्रेश वाटर में माइग्रेशन कर रही है तो कौन सा माइग्रेशन हो जाएगा? एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा सालमन फिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा हिल्सा फिश, ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जांपल है। यदि दूसरे टाइप का जो माइग्रेशन होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन मतलब कि यदि माइग्रेशन फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ हो रहा है, माइग्रेशन फ्रेश वाटर टू सी वाटर की तरफ हो रहा है फिश का, तो इस तरह के माइग्रेशन को हम बोलेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एंग्युलियन फिश एक ऐसी फिश होती है जो सी सेपरेट लाइफ फिश होती है, स्नेक लाइफ फिश होती है, इसमें जो माइग्रेशन होता है यह रहती है फ्रेश वाटर में पर ब्रीडिंग के लिए सी में जाती है। दो टाइप का माइग्रेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सलाइनिटी सी का इंपोर्टेंट कैरेक्टर है और कोई फिश कितनी सलाइनिटी तक सर्वाइव कर सकती है, इसके बेस पर फिश को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहली टाइप की जो फिश होती है जिन्हें हम बोलते हैं स्टेनोफेराइन फिश, ऐसी फिश जो होती है जो कि नैरो रेंज के कॉन्सेंट्रेशन के लिए टॉलरेबल होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्टेनोफेराइन फिश। यदि कोई फिश की टॉलरेंस रेंज बहुत ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे यूरिक एलाइन फिश। तो फिश ऑन द बेसिस ऑफ
salinity of water दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, पहला स्टेनोहेलेन फिश और दूसरा यूरिहेलेन फिश। अब नाउ डिस्कस अबाउट फिन ऑफ फिश। तो दो तरह के महत्वपूर्ण फिन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला है हेटरोसर्कमसिस फिन, ये हमारे हेटरोसर्कमसिस फिन। फिश के दोनों फिन डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, तो इस तरह के फिन देखिए, दोनों फिश डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, तो इस तरह के फिन को हम बोलते हैं हेटरोसर्कल फिन। ये कहां देखने को मिलते हैं? कार्टिलेज फिश के अंदर। दीज आर द होमोसर्कल फिन। ये फिन क्या है? देखिए दोनों फिन बराबर है, सिमेट्रिकल फिन है, और ये कहां देखने को मिलेंगे? दिस फिन ऑफर एन बोनी फिश। अब सुपर क्लास पाइसेस। सुपर क्लास पाइसेस के अंदर बेसिकली दो क्लासेस आते हैं। पहला आता है कॉर्डिटेटिव, जिसे कि कार्टिलेजन फिश के नाम से जानते हैं, और दूसरा आता है ऑस्टिकिथिस, जिसे कि हम बोनी फिश के नाम से जानते हैं। तो ऑस्टिकिथिस और कॉर्डिटेटिस, ये दो क्लासेस जो होती हैं, ये सुपर क्लास पाइसेस कहलाती हैं। अब हम इन दोनों को लेकर कंपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्डिटेटिस के बारे में। कॉर्डिटेटिस में किस तरह की फिश आती है? इसमें आती है हमारी कार्टिलेजन फिश। देखिए ये फिश कुछ इस तरह की होगी, कार्टिलेजनस फिश और क्वांटिटेटिव। दीज फिश आर द मरीन फिश, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होती हैं। जितनी भी फिश हमारी अर्थ पर देखने को मिलती हैं, उसका अप्रोक्सीमेट 20% जो फिश होती हैं क्वांटिटेटिव होती हैं, और 80% जो फिश होती हैं वो बोनी फिश होती हैं। तो दीज फिश आर द एक्सक्लूसिवली मरीन फिश। ये इनमें यदि हम कॉडल फिन को लेकर डिस्कस करें, हम क्या देखते हैं कि ये हाइड्रोसर्कल फिश है। मतलब इनमें जो कॉडल फिन होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोसर्कल या असिमेट्रिकल होता है। लेकिन एक फिन छोटा है, दूसरा फिन बड़ा है, ये कैसा हो गया? हाइड्रोसर्कल होते हैं। गिल स्लिप को लेकर डिस्कस करें, तो यू विल बी ऑब्जर्व दैट गिल स्लिप कैसे है यहां पर, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, देयर इज नो एनी कवरिंग ऑन द गिल स्लिप्स, तो ये कैसे हो गए? अनकवर्ड गिल स्लिप्स। यहाँ पर ओपन फिल्म का जो कवरिंग होता है वो देखने को नहीं मिलता, मतलब गिल स्लिप्स कहते हैं विदाउट ओपन फिल्म है। उसके बाद अब इसकी पूरी बॉडी पर स्कैर है। यहाँ पर कौन से स्कैर है हम देखेंगे? इसकी पूरी बॉडी पर बेसिकली प्लेटोइड स्कैर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डर्मल स्कैर है। और इसके जो किस होते हैं, इसके किस भी प्लेटोइड स्कैर का मॉडिफिकेशन होते हैं। उसके बाद इनमें एयर ब्लैडर नहीं होते, इन फिश में आपको एयर ब्लैडर देखने को नहीं मिलेंगे। अब एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको कंटिन्यूस स्विम करना पड़ता है, तैरना पड़ता है, क्योंकि पानी में डूब जाएंगे नीचे। उसके बाद इनमें सेल सेपरेटेड होते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए, ये तो हो गए कौन सा फिन? एक्टोडर्म फिन। ये वाला फिन कौन सा है? पेल्विक फिन। तो इनके पेल्विक फिन के पास एक छोटा सा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि केवल मेल में प्रोजेक्ट होता है, जिसे कि हम क्लैस्पर के नाम से जानते हैं। अब क्लैस्पर में क्या काम होता है? लाइक पेंस, यह स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब चूंकि इनमें क्लैस्पर प्रोजेक्ट है, अब क्लैस्पर प्रोजेक्ट करने में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो यहां पर एनिमल कहते हैं विविपेरस। विविपेरस मतलब कि दे गिव द बर्थ ऑफ गैम्बर, ये बच्चे पैदा करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमें
एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहां पर आपको स्क्विड और फिश देखने को मिलेंगे। स्क्विड और को बेसिकली डॉग फिश के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल एक्स्ट्रा ऑर्डर होती है लाइक डॉग, इट्स नॉट अ लुक लाइक द डॉग। इसकी जो स्मेल ऑफ सेंस है वो डॉग लाइक है, इसलिए इसको हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं। फिश देखो इसका जो माउथ है, फिश जिसका जो माउथ होता है, देखिए इस फिश में माउथ कहता है, इस फिश का जो माउथ है वो कुछ ऐसा सो जैसा देखने को मिल रहा है, और इसका माउथ सो जैसा देखने को मिल रहा है ना, इसलिए इस फिश को हम क्या बोलते हैं, शॉ फिश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फिश इज द कार्गेरॉन, ग्रेट व्हाइट शॉ। जितनी भी शार्क फिश होती है सबसे डेंजरस जो फिश होती है कौन सी होती है, ग्रेट व्हाइट शॉ। तो वो फिश इसी क्लास में आती है। उसके बाद एक फिश होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन पॉइजनस फिश होती है, इसमें एक स्टिंग होता है जिससे क्या करती है कि अपने प्रे को ये इंज्यूर कर देती है, एक पॉइजनस स्टिंग होता है, इसलिए इस फिश को हम स्टिंग फिश के नाम से जानते हैं। एक फिश और होती है जिसे हम बोलते हैं टारपेडो। टारपेडो करंट जनरेट करती है, अपने प्रे को बाय करंट खत्म कर देती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है टारपेडो के अंदर, और इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिक फिश के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, सॉरी जिसे हम इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं टारपेडो। ट्राइगन को हम बोलेंगे स्टिंग रे, और टारपेडो को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक रे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑस्टिगमिस। ऑस्टिगमिस देखिए, नॉर्मल हमारी जो फिश है 80% जो फिश है वो ऑस्टिगमिस के अंदर आती है। और ऑस्टिगमिस देखो इसके मेंबर सी में भी देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। देखिए जो बॉडी पार्टिकल फिश है उसमें माउथ कहता था वेंट्रल, इसमें माउथ वेंट्रल नहीं है, इसमें माउथ कहता है टर्मिनल। ये सी वाटर में भी देखने को मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। 80% फिश बॉनी फिश ही होती है। बॉनी फिश में मतलब देखो कार्टिलेज फिश का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, बॉनी फिश का जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना हुआ रहता है, इसलिए इसे हम बॉनी फिश के नाम से जानते हैं। अब इनका जरा देखिए टेलीफिन को देखिए, टेलीफिन कैसा है, इनका दोनों पोर्शन इक्वल। आप देखेंगे कि कार्टिलेज फिश में क्या था कि एक फिन बहुत लंबा था, दूसरा फिन छोटा था, तो उसमें हाइड्रोसर्कल फिन था, इसके दोनों साइड के फिन इक्वल साइज के हैं, तो इस तरह के फिन को हम क्या बोलेंगे, होमोसर्कल फिन। तो ये फिन होमोसर्कल फिन हो गए। उसके बाद इनमें गिल्स, तो गिल्स कवर्ड बाय द कवरिंग, द नेम ऑफ कवरिंग इज द ओपत्रा, और उस कवरिंग के नीचे आप देखेंगे कि फोर पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर। ऑस्टिगमिस में हमेशा गिल का नंबर कॉन्स्टेंट होता है, वो नंबर कितना होता है, फोर पेयर। ठीक है, इसमें फोर पेयर गिल्स देखने को मिलते हैं, और दोनों साइड से उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसे हम बोलते हैं ओपर ग्लाव। ये ओपर ग्लाव होता है, इनमें ग्लैंड पर अब्सेंट होता है, इसमें ग्लैंड पर होता है वो अब्सेंट होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ये ओविपेरस होते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो इनमें एग्जाम्पल डिस्कस करने के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और भी देख लेते हैं, जैसे कि इसमें स्कैल्स वाले के बाद इनफिश। तो इनफिश में बेसिकली तीन तरह के स्कैल्स देखने को मिलेंगे, साइक्लॉइड स्कैल, पीनोइड स्कैल और ग्लेमॉइड स्कैल। हमने क्या देखा था, कार्टिलेजनस फिश में कौन से स्कैल देखने को मिले थे, क्लेकॉइड स्कैल। कार्टिलेजनस फिश में देखने को मिले थे क्लेकॉइड स्कैल, यहां हमें देखने को मिलते हैं साइक्लॉइड स्केल, पीनोइड स्केल और ग्लेनॉइड स्केल। तीन तरह के स्केल यहां देखने को मिलते हैं। उसके बाद अब इन फिश में एयर ब्लड प्रेजेंट होते हैं,
अब एयर ब्लड में क्या होगा कि एयर भर जाएगी, एयर भरने से क्या होगा बायोप्सी डेवलप होगी, ये आराम से पानी की सरफेस पर बिना स्विमिंग किए हुए तैर सकते हैं। तो इनको कंटिन्यूसली स्विमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। फिर में क्या प्रेजेंट है एयर ब्लड, यू मस्ट रिमेंबर एयर ब्लड प्रेजेंट ओनली इन द बोनी फिश अपसेट इन द कार्टिलेज फिश, इट्स अबाउट सेक्स, सेक्स सेपरेट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो ये इन फिश के कैरेक्टर हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिए हमने कार्टिलेजन फिश के एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे, इसके लोन डिस्कस कर लिया था, फिश फिश डिस्कस कर लिया था, कॉक के ग्राउंड डिस्कस कर लिया था। अब बोनी फिश के जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें हम तीन कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, पहले मरीन फिश, फ्रेश वाटर फिश और एक्वेरियम फिश। अब मरीन फिश के एग्जाम्पल डिस्कस करें तो उसमें एक आता है कौन सा एक्सोपोडस, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लाउन फिश। देखो ये जो फिश होती है मरीन फिश है, और हमारे शिप के पीछे स्टीमर के पीछे ये करीबन जो है 15 मीटर तक 20 मीटर तक और उससे ज्यादा हाइट तक एयर में जंप कर सकते हैं। अब ये एक्सोपोडस एयर में जंप कर सकते हैं, मतलब कि पानी के ऊपर काफी ऊपर तक उड़ सकती है विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल फिन, जिसमें पेक्टोरल फिन हाईली डेवलप होते हैं, इसलिए इस फिश को क्या बोलते हैं फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज द हिप्पोकैम्पस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिश, जस्ट लुक लाइक द हॉर्स, पूरे वर्टिकल स्विमिंग करते हैं। से हम क्या बोलते हैं सी हॉर्स, कॉमन नेम क्या होता है इसका सी हॉर्स। तो ये दो फिश हमारे सिलेबस में मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन, ऑल दी फिश है, तो सी फिश है, सार्डिन हो गया, मार्केल हो गया, टूना फिश हो गया, उसके बाद सकर फिश, रेवा, पॉम्फ्रेट, ट्रेट, मोस्ट टेस्टी फिश। उसके बाद तो हम बात करते हैं फ्रेश वाटर फिशेज के बारे में, ऐसी फिश जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, लेडियम रोहिता, कॉमन नेम रोहू फिश, फिश फिशरी में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, फिश कल्टिवेशन में एलियट फिशिंग में बहुत यूज किया जाता है। दूसरी है तस्ला कछुआ, कॉमन है तस्ला फिश, ये भी एलियट फिश है, खाने के लिए यूज किया जाता है। क्लेगन मगर ये मृगला फिश। उसके बाद नेक्स्ट है एनाउंस, एनाउंस को वेस्ट बंगाल में बहुत खाया जाता है, इसे आपका नाम है क्लेविंग पाच। हम क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो तीन एग्जाम्पल मेंशन है, रेडियो, कतला एंड ग्लेडियस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्वेरियम फिश के बारे में। तो एक्वेरियम में हम बात करें तो एक्वेरियम में हम क्या देखेंगे, दो तरह की फिश होती हैं, एक तो बेटा फिश है, साइंटिफिक नेम बेटा है, कॉमन नेम इसका फाइटिंग फिश है। तो हमारे एक्वेरियम में ये फिश जो होती है बहुत लड़ाई झगड़े करती है, इससे इसलिए देखने का अच्छा लगता है, इसका यूज भी एक किया जाता है। तो ये बेटा इट्स अ फाइटिंग फिश। सेकंड इज द पेट्रल, टेराफाइला, टेराफाइला जो होती है इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिश, बहुत सुंदर फिश होती है, इसलिए इसे हम एंजिन फिश के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पॉसिबिलिटीज के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सुपर क्लास। तो नेक्स्ट सुपर क्लास इज दैट टेट्राकोडा, टेट्राकोडा मतलब कि ऐसे एनिमल जिसमें लोकोमोशन फोर लिम्स के थ्रू होता है। टेट्राकोडा मीन्स द लोकोमोशन ओपन बाय द फोर लिम्स, यदि लोकोमोशन चार लिम्स से हो रहा है तो इस तरह के एनिमल क्या बोले यहां टेट्राकोडा। अब टेट्राकोडा के अंदर चार क्लासेस आते हैं, पहली क्लास कौन सी एम्फीबिया, दूसरी क्लास रेप्टिलिया, तीसरी क्लास एप्स, चौथी क्लास मैमेलिया। तो इन सब क्लासेस को हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते क्लास एम्फीबिया, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्फीबिया क्लास को। तो एम्फीबिया देखिए, एम्फीबिया
फ्रॉग तो हम सभी लोगों ने देखे हैं, फ्रॉग की क्या खासियत होती है कि वो वाटर में सर्वाइव कर लेता है, लैंड पे सर्वाइव कर लेता है, दो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल टाइप पर सर्वाइव कर रहा है। इस चीज में हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन जो क्लास होता है इसके एनिमल जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ एम्फीबियन का जो नॉर्मल लाइफ होता है वो होता है एक्वेटिक, और जो एडल्ट लाइफ होता है वो कैसा होता है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, अब इनके लिए बड़ी अजीब कंडीशन है। देखिए, जब लाइफ वाटर टू लैंड पे जा रहा था तो सबसे पहले जो एनिमल डेवलप हुए वो एनिमल कौन डेवलप हुए, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन वही जो लैंड पर रहते हैं, पर ब्रीडिंग के लिए इनमें वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए है हम एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। वही एम्फीबियंस कहते जो दोनों सब हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हो, इस तरह के एनिमल को एम्फीबियंस। और मोस्टली ये रहते लैंड पर है, पर इनके लिए जो ब्रीडिंग के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेम्बर प्लांट किंगडम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने वहां पर ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला था। क्यों बोला था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो रहते लैंड पर है, मोस्ट क्लाइमेट में रहते हैं, पर उनमें ब्रीडिंग के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। यहां पर भी ब्रीडिंग के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। अब इनकी जो लिम्स होते हैं वो पेंटाटेक्टाइल लिम्स होते हैं, मतलब कि लिम्स में फाइव डिजिट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हो गए बताइए ये पेंटाटेक्टाइल लिम्स हो गए इनमें। इनका जो स्किन होता है, देखिए एम्फीबियन में स्किन देखने को नहीं मिलते, इसका देखने को नहीं मिलते हैं। स्किन कैसी होगी इसकी, मॉइस्ट होगी। मॉइस्ट होने से पता भी है कि एक तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी पॉसिबल हो जाता है, यदि स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है तो स्किन शुड बी मॉइस्ट। अर्थवर्म में भी ये देखने को मिलता है, उसकी स्किन मॉइस्ट है तो वो स्किन से ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है। इनकी भी स्किन मॉइस्ट है, इसलिए ये स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, करते ही, और इनकी स्किन के ऊपर स्कैल्स नहीं होते। इनके ईयर में इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है, बट एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता। इनमें आप देखेंगे कि फेस के बाजू में एक ब्लैक कलर की स्पॉट नजर आएगी, जिन्हें हम बोलते हैं टिम्पेनम। टिम्पेनम जो होता है वो मिडिल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका एलिमेंट के नाम कंप्लीट होता है। इसका जो यूरिनल ओपनिंग, एलिमेंट के नाम की ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग वो कॉमन होते हैं। अच्छा, यदि एनिमल में एलिमेंट के नाम, मतलब एनिमल की बॉडी का जो एनस है उसके थ्रू एसिडिटी मटेरियल भी पास आउट हो रहा है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस समय उससे हम एनस के जगह किस नाम से जानते हैं, क्लोएका के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें जो एलिमेंट के नाम का जो लास्ट पोर्शन होता है वो क्लोएका होता है, क्योंकि यहां से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालना है, यूरिन को भी पास आउट करना है, और जो गैमेट्स होंगे वो भी इसी पास से पास आउट होंगे, तो इसलिए इसको क्लोएका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन के लिए कई डिवाइसेस होते हैं, रेस्पिरेशन गिल से होता है मोस्टली लार्वा के अंदर, लंग से और स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है मोस्टली एडल्ट में होता है। यहाँ पर जो हार्ट होगा, देखिए एम्फीबियंस में जो हार्ट होता है वो थ्री चेम्बर हार्ट होता है। इस तरह का हार्ट होगा, जो देखिए हार्ट कुछ इस तरह का होगा, देखिए इस तरह का हार्ट होगा। हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो इस तरह के थ्री चैम्बर हार्ट यहाँ पर होता है, जो ऑरिकल होते हैं वह वेंट्रिकल होता है। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन कैसा, देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, देखेंगे हम कि बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट आर्ट्रियम में जा रहा है, फिर राइट आर्ट्रियम से ब्लड का वेंट्रिकल में गया,
वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया? लंग्स में गया. लंग्स से ब्लड कहां गया? राइट एट्रियम में आया. और फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल में गया. वेंट्रिकल से फिर बॉडी में गया. मतलब डबल सर्कुलेशन हो जाएंगे और यहां पे हार्ट जाता है पीछे. उसके बाद लाइक द पाइसेस, ये एनिमल भी पोइक्रोथर्मल होते हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं. इनके बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. सेक्स सेपरेटेड होते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. अब ये एनिमल ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं. यहां पर कोई भी एनिमल बच्चे नहीं देता है. नो एनी एनिमल आर ओविपेरस, ऑल एनिमल आर ओविपेरस. डेवलपमेंट इंडायरेक्ट होगा, मतलब कि लार्वल फेज देखने को मिलती है. अच्छा, इसके बाद क्लास एंसीबिया में समर स्लीप और विंटर स्लीप देखने को मिलता है. मतलब कि आपको यहां पर हाइबरनेशन और एस्टिमेशन देखने को मिलेगा. इसके एग्जाम्पल्स को लेकर डिस्कस करें, इसके एग्जाम्पल में आएगा ब्यूफो टोर. साइंटिफिक नेम है ब्यूफो, कॉमन नेम है टोर. तो रात के समय हमारे घरों में जो घर के बाहर जो मेडल दिखाई देते हैं, जो प्रॉप दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली क्या है? ब्यूफो. वाटर में जो ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन ऑरेंज कलर के जो प्रॉप देखने को मिलते हैं, वो क्या है? रान फ्रॉग. इसके अलावा कुछ फ्रॉग वेस्ट महाराष्ट्र में है, ट्री के ऊपर देखने को मिलते हैं. ट्री के ऊपर जो फ्रॉग देखने को मिलता है, इसे हम फाइला के नाम से जानते हैं. इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में सलामेंडर देखने को मिलते हैं. सलामेंडर जो होते हैं वो लाइक लिजार्ड एनिमल होते हैं, जो कि सी सॉरी जो कि रिवर सोर्सेस के पास देखने को मिलते हैं. एक उठियो पत्थर के एनिमल होता है. ये ऐसा एम्फीबियन है जिसमें कि लिम्स नहीं होते, इसलिए इसको लिम्बलेस एम्फीबियन के नाम से जानते हैं. और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उठियो पत्थर के बारे में, इसमें आई नहीं होती है, इसकी आई वेस्टिजल होती है. यहां पर जो मदर होती है, जब तक अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं तब तक वो अंडों को बिल्कुल क्लियर करती है, अंडों को पी नहीं जाती है. उसके बाद एक एनिमल और है जिसे हम बोलते हैं एम्बिशोमा, ये टाइगर थैलामेंडर के नाम से जानते हैं. टाइगर थैलामेंडर में हमें एक फिनाइन देखने को मिलती है जिसे हम नियोटेनिन के नाम से जानते हैं. अभी नियोटेनिन क्या होता है? नियोटेनिन क्या होता है? नियोटेनिन का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज से एडल्ट में कन्वर्शन नहीं होना. मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कोई लार्वा होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? एडल्ट में. यदि लार्वा का एडल्ट में कन्वर्शन नहीं हो रहा तो दिस फिनोमेना इज नोन एज नियोटेनिन, स्पेशली इन द क्लास एम्फीबिया. इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? नियोटेनिन के नाम से जानते हैं. अब नियोटेनिन में क्या है? नियोटेनिन के अंदर एम्ब्रियोनिक नियोटेनिन के अंदर एडल्ट में कन्वर्शन नहीं हो रहा. अच्छा, जब एडल्ट में कन्वर्शन नहीं हो रहा तो फिर लार्वा में क्या होगा? लार्वा में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे. और लार्वा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना जिसे हम बोलेंगे पैरोजेनेसिस. तो टाइगर जो सेलेमेंटर होते हैं इसमें पैरोजेनेसिस भी देखने को मिलता है और नियोटेनिन भी देखने को मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्लाइंग फ्रॉग, रेको फ्रॉग पर. ये फ्रॉग ऐसे होते हैं जो एयर में ग्लाइड कर सकते हैं, काफी दूर तक ग्लाइड कर सकते हैं. तो एम्फीबियम इतना सफिशियंट है. इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रैप्टिड. रैप्टिड ऐसे एनिमल जो क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैपिड. मतलब कि क्रीपिंग मूवमेंट करने वाले एनिमल. अब क्रीपिंग मूवमेंट मतलब क्या?
बहुत तरक्की। ऐसी मूवमेंट जिसमें क्या होता है कि एट अ टाइम ऑफ लोकोमोशन बॉडी का जो वेंट्रल पोर्शन होता है वो सॉइल को अक्सर टच करते हुए रहता है। आपने रिजार्ड देखा होगा, क्रोकोडाइल देखा होगा, टर्टल देखा होगा, इनमें क्या होता है जब भी इसमें लोकोमोशन होता है ना, तो इनका जो बॉडी का वेंट्रल पोर्शन है वो सॉइल को टच करता हुआ क्रीप, तो इस तरह के जो मूवमेंट होता है क्रीपिंग मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, तो वो यहाँ देखने को मिलता है। अब इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो स्किन होगा वो ड्राई होगा, क्वालिफाइड होगा, इनकी पूरी बॉडी पर स्केल देखने को मिलेंगे। जो स्केल देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पर एपिडर्मल स्केल, ठीक है, जो स्केल जो स्क्यूब्स देखने को मिलते हैं वो एपिडर्मल टाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम स्नेक को लेकर बात करें, रिजार्ड को लेकर बात करें, तो कुछ कुछ समय के बाद ये अपने बॉडी से स्केल को रिमूव ऑफ करते रहते हैं। तो इनका जो रिमूव ऑफ होता है उसे हम स्किन पॉस्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें भी जो मिडिल लेयर होता है स्किन पे हम उसको रिप्रेजेंट करता है। लिम्स भी इसमें टू पेयर होंगे, जो स्नेक होती है उसमें लिम्स जो होते हैं वो ऑब्सेंट होते हैं, ये रिप्रेजेंट है, तो कितने होंगे वो टू पेयर होंगे। हार्ट इसमें थ्री चैम्बर होगा, देखिए ऐसी भी अगर थ्री चैम्बर था, इसमें भी हार्ट थ्री चैम्बर है, ये बात हो याद रखिए। तो पेयर ऑफ हमारी जो क्रेनियल नर्व्स का जो नंबर होता है वो फिश में एम्फीबियन में होता है 10 पेयर, रेप्टिलिया में, बर्ड में और मैमल में होता है 20, ठीक है। इसमें हार्ट थ्री चैम्बर होता है, पर यहाँ क्या होता है कि वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। देखो एम्फीबियन में क्या प्रॉब्लम था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो रहे थे, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल में कोई सेप्टम था ही नहीं, यहाँ पर सेप्टम का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और जो क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है, ये पॉलीक्लोथर होंगे मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मीन्स क्या, कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट का होगा बॉडी के अंदर, ओविपेरस भी हो सकते हैं यहाँ पर, विविपेरस भी हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ एनिमल कैसे होते हैं यहाँ पर ओविपेरस होंगे, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होता है, ठीक है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग से देखने को मिलता है। इस फाइलम में कोई क्लास में कोई भी एनिमल हो, टर्टल हो, क्रोकोडाइल हो, या लिजार्ड हो, या स्नेक हो, सभी में जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स तरीके से, लंग्स से देखने को मिलता है, दिल से देखने को नहीं मिलता। टर्टल में भी जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से देखने को मिलेगा, दिल से नहीं। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें आता है जैसे कि जेलो मतलब पिट्टा का, ये सी में देखने को मिलते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो पैडल लाइक होते हैं, कैशिडो मोस्टली ये फ्रेश वाटर होते हैं, ये बड़े आराम से लोकोमोट कर सकते हैं, इनके पैरों में धीरे देखने को मिलते हैं कैशिडो में ट्रॉट वाइज के। अब उसके बाद हम बात करेंगे कमेलियों के बारे में। कमेलियन जो होता है मतलब कि ग्रीन लिजार्ड, उसके बाद नेक्स्ट है कैरोटीन मतलब कि गार्डन ग्रीन लिजार्ड। कमेलियन देखा होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, इसका कलर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो मतलब इसमें आए मिमिक्री देखने को मिलती है, केमोफ्लेक्स मिलता है, कैरोटीन में भी कैमोफ्लेक्स देखने को मिलता है, इसे हिंदी में गिल्ट के नाम से जानते हैं कैरोटीन गार्डन लिजार्ड। इसके केवल हेड रीजन में हमें कलर चेंज दिखाई देते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो होते हैं ये बेसिकली पूरे और पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं,
इनका साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइल ही है। दूसरा एलिगेटर, एलिगेटर क्रोकोडाइल जैसे होते हैं, लेकिन जो माउथ होता है वो यू शेप होता है, क्रोकोडाइल का माउथ वी शेप होता है। एलिगेटर बेसिकली चाइना और सेंट्रल अमेरिका के कुछ रीजन में देखने को मिलते हैं। ग्रेविस, तो ग्रेविस होते हैं, इसे हम घड़ियाल के नाम से जानते हैं। और इनका जो माउथ होता है वो काफी लंबा होता है। इसके अलावा इस फाइलम में आएगा, सॉरी इस क्लास में आएगा एमिनेंट टाइगर, मतलब बॉल यार्ड पाल मराठी में, हिंदी में छिपली। उसके बाद स्पेनोडॉन, ये हमारे एनसीआर में नहीं है, तो ये ट्यूटेरा एक लिजार्ड लाइक एनिमल होता है जो कि लिविंग फॉसिल माना जाता है। उसके बाद ड्रैको, ड्रैको मतलब फ्लाइंग लिजार्ड। इसमें क्या होता है ड्रैको के अंदर कि बॉडी का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, यू मस्ट रिमेंबर कि लिजार्ड जितने के होते हैं, लिजार्ड की बॉडी होती है वो बेसिकली चार पार्ट में डिवाइडेड होती है। पार्ट में चार पार्ट, नंबर वन हेड, नेक, ट्रंक, टेल। तो ये चार पार्ट में लिजार्ड की बॉडी डिवाइडेड होती है। अब ड्रैको में क्या होता है, इसके फोर लिंग, और जो ट्रंक होता है उसके बीच में एक कवरिंग होता है, और इसके यूज करके वो है वो ग्लाइड करता हुआ एक जगह से दूसरे को माइग्रेट कर सकता है, जिसे हम फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेलर, मॉनिटर लिजार्ड। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्नेक के बारे में, सांपों के बारे में। स्नेक कई टाइप के होते हैं, पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द पॉइजनस स्नेक। तो पॉइजनस स्नेक में आएगा राजा, मतलब कोबरा। दूसरा है बेंगारस, मतलब कि करेस। इसके बाद है वाइपर। वाइपर नाम इसलिए रखा है कि इतने बीवी करस होता है, बच्चे देने वाला होता है। इसकी कई वेरायटी वाटर देखने को मिलती है हमारे महाराष्ट्र में और सेंट्रल इंडिया में। इसकी सबसे पॉपुलर वेरायटी है वो है हमारा कॉमन जो रतेल वाइपर, इसकी काफी कॉमन वेरायटी है जो पूरे इंडिया में देखने को मिलती है। उसके बाद क्रोटेलस, मतलब कि रेटल स्नेक, डेजर्ट इंडिया में काफी देखने को मिलता है। और उसके बाद इनहेड्रिना, मतलब स्नेक बहुत ही जहरीले होते हैं, हैवी विनोमरस स्नेक होते हैं। तो ये पॉइजनस स्नेक है, नॉन पॉइजनस स्नेक पॉइजनस नहीं होते हैं, जैसे कि पाइथन, अजगर। उसके बाद टाइगर ब्लाइंड स्नैक और ड्राइव मतलब कि फ्री स्नैक, ये नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं।